किड्स 3 और 5 का जोड़ एक नया तरीका। बच्चों आज हम आपको एक नया तरीका सिखाएंगे। पहले हम 3 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे, ये हमारे 3 रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम 5 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे, ये हमारे 5 रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम सभी वर्टिकल लाइंस को काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखा, हमने सिर्फ लाइंस को काउंट किया और हमारे पास आंसर आ गया। 3 और 5 का जोड़ 8 होता है। खड़ी रेखाओं का उपयोग करके 4 और 1 का योग। गणित आसान और मजेदार हो सकता है जब हम यह खेल की तरह समझते हैं। आइए खड़ी रेखाओं के साथ 4 और 1 को जोड़ना सीखते हैं, ताकि हमें गिनने में आसानी हो। सबसे पहले हम 4 खड़ी रेखाएं बनाते हैं, यह हमारे 4 का प्रतिनिधित्व करती है। अब हम एक और खड़ी रेखा बनाते हैं, यह हमारा 1 का प्रतिनिधित्व करता है। फिर हम इन सभी रेखाओं को गिनते हैं, हमारे पास कुल 5 खड़ी रेखाएं होती हैं। इस प्रकार हमने खड़ी रेखाओं का उपयोग करके 4 और 1 को जोड़ा। 5 और 4 का योग खड़ी रेखाओं की तकनीक का उपयोग करके। पहले हम 5 खड़ी रेखाएं बनाते हैं, ये हमारी पहली संख्या 5 का प्रतिनिधित्व करती है। अब हम 4 और खड़ी रेखाएं बनाते हैं, ये हमारी दूसरी संख्या 4 का प्रतिनिधित्व करती है। अब हमारे पास कुल 9 खड़ी रेखाएं हैं, जो हमारे 5 और 4 का योग है। खड़ी रेखाओं की यह तकनीक बच्चों को गणित को समझने में मदद करती है। वर्टिकल लाइंस टेक्निक से 6 और 2 का एडिशन कैसे करें? इस टेक्निक में हमें पहले 6 की तरह वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी होती है, ये हमारे 6 अंक को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद हमें 2 की तरह और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी होती है, ये हमारे 2 अंक को रिप्रेजेंट करती है। अब हम इन सभी वर्टिकल लाइंस को काउंट करते हैं, ये हमारे टोटल अंक को बताएगा। तब हम 6 और 2 की वर्टिकल लाइंस को काउंट करते हैं, हमें टोटल 8 मिलता है। 5 और 2 का योग, एक आसन विधि। 5 वर्टिकल रेखाएं बनाइए, ये आपके 5 अंक है। अब 2 और रेखाएं बनाएं, ये 2 अंक है। मिलकर देखिए कितनी रेखाएं बनी हैं। 7 रेखाएं हैं, ये आपका उत्तर है। इस तरीके से 5 और 2 का योग 7 होता है। योग करना इतना आसान है, बस रेखाएं बनाएं और गिन लें। Thanks for watching Danke Kids.